जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में जयपुर संभाग को पढ़ रहे थे। जयपुर संभाग को कवर करते हुए अपन जयपुर संभाग के अंतर्गत अलवर जिले को पढ़ने जा रहे हैं। अलवर जिले से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी तथ्यों को कवर करते हुए डिटेल से पढ़ते हुए अंत में अपन महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने अलवर जिला। से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर जिला अपन पढ़ रहे हैं। पिछले वाली क्लास में अलवर जिले से संबंधित भौगोलिक जितनी भी जानकारियाँ, जिले, बावड़ियाँ, अभ्यारण्य, खनिज संपदा, पशु संपदा, उससे संबंधित जानकारी अपन ने पिछली वाली क्लास में अपन ने देख ली थी। आज उसके आगे वाले अपन तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख दुर्ग। अलवर जिले में कौन कौन से दुर्ग है जहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दुर्गों में देखे अपन तो पहला दुर्ग आ रहा है अपने अलवर का दुर्ग, जिसे बाला किला भी कहा जाता है। बाला किला कहाँ स्थित है तो अलवर में है, और बाला किला अलवर दुर्ग को और किस नाम से जानते हैं तो बाला किला। इसके उपनाम देखे अपन बाला किला को और किस किस नाम से जाना जाता है तो इसे बड़ा किला भी कहते हैं। अलवर का किला बावनगढ़ का लाडला इम्पोर्टेंट है। बावनगढ़ का लाडला कौन से अभ्यारण्य, कौन से दुर्ग को कहा जाता है तो बाला किला को बावनगढ़ का लाडला कहा जाता है। इसे कुंवारा किला भी कहते हैं, कुंवारा किला, कुंवारा किला, क्योंकि इस किले पर कभी जो है आक्रमण नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। और इसके दीवारों पर जो तोपे, बंदूक से तोपे चलाने के जो छेद बने हुए हैं, जगह जगह छेद बने हुए बंदूक से तोपे वगैरह चलाने के लिए, इसलिए इसे आंख वाला किला भी कहा जाता है। आंख वाला किला किसे कहते हैं, अलवर के किले को कहा जाता है। तो अलवर दुर्ग, बाला दुर्ग, बड़ा किला, अलवर का किला, बावनगढ़ का लाडला, कुंवारा किला और आंख वाला किला इसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं अलवर दुर्ग का निर्माण जो है कोकिल देव के पुत्र जो आमेर के कच्छा वंश के शासक हुए थे कोकिल देव, कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने इसका निर्माण करवाया था। अलगुराय ने इसका निर्माण करवाया था कोकिल देव के पुत्र, और इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वही हसन खां मेवाती है जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ लड़ते हुए बाबर के युद्ध विरुद्ध जो है खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए, यह दुर्ग एक पर्वत शिखर पर स्थित है जिसके नीचे अलपुर नामक नगर बसाया गया है। चलो, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इस दुर्ग में बाबर एक रात रुका था। यह प्रश्न आता कि राजस्थान के कौन से किले में बाबर एक रात के लिए रुका था तो बाला दुर्ग अलवर का किला। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को यहाँ नजरबंद करवाया था। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर, जिसको सलीम कहते हैं, सलीम को इसी दुर्ग में नजरबंद करवाया था। हसन खां मेवाती, ऊपर जो अपन ने बात की थी वही हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़ते हुए बाबर के विरुद्ध जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। यस, उसके बाद देखे बाबर ने इस दुर्ग पर अधिकार कर अपने पुत्र हिंदाल को जहांगीर में दे दिया था। तो बाला किला से यहाँ लड़ने के लिए आए थे हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर बाबर ने इस पर अधिकार कर लिया और बाबर ने अपने पुत्र हिंदाल को ये जागीर के रूप में दे दिया, हिंदाल को जागीर के रूप में दे दिया है इस किले को। चलिए आगे बात करते हैं। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सलीम ने सलीम शाह के काल में यहाँ सलीम सागर जलाशय बनवाया था। सलीम सागर जलाशय का निर्माण
कहाँ करवाया था? शेरशाह के उत्तराधिकारी सलीम शाह ने तो बाला दुर्ग में करवाया था। भरतपुर नरेश सूरजमल ने, भरतपुर के जो शासक थे सूरजमल ने, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जब औरंगजेब था तब तक तो औरंगजेब का अधिकार रहा था यहाँ पे, बाद में उनकी मृत्यु के बाद में सूरजमल जाट ने इस पर अधिकार कर लिया और इसमें महल और एक कुंड, सूरज कुंड बनवाया था। सूरजमल जाट ने इसमें एक महल बनवाया था और एक सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। 1775 ईस्वी में माचेड़ी के शासक व कच्छा वंश की नरुका शाखा के राव प्रताप सिंह ने अधिकार कर लिया, जयपुर से स्वतंत्र कराकर अलवर रियासत की नींव डाली थी। कल भी देखा था अपने, अलवर रियासत की स्थापना किसने की थी? 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह ने की थी। ये प्रताप सिंह कच्छा वंश की नरुका शाखा के वंशज है। अलवर दुर्ग की प्राचीर लगभग 6 मील लंबी है। इस दुर्ग की प्राचीर में शत्रु पर गोले बरसाने के लिए छेद किए हुए हैं, इसीलिए इसको आंख वाला किला भी कहते हैं। 6 प्रवेश द्वार है, चांद पोल है, सूरज पोल है, जय पोल, किशन पोल, अंधेरी गेट व लक्ष्मणपुर है। ठीक है, तो ये बाला किला देखा था। क्या क्या ध्यान रखना? एक तो बाला किला के उपनाम ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने इसका निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण आसन का मेवाती ने करवाया था। बाबर एक रात के लिए यहाँ रुका था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम जागीर को यहाँ नजरबंद किया था और महाराजा सूरजमल जाट ने इस पर अधिकार करके महल और सूरज कुंड बनाए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है काकनबाड़ी का किला। काकनबाड़ी का किला कहाँ है? तो अलवर में। काकनबाड़ी का किला अलवर में। ये प्रसिद्ध दुर्ग सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। सरिस्का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके अंदर स्थित है काकनबाड़ी का किला। ऐसा माना जाता है कि इस अभेद्य दुर्ग का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। काकनबाड़ी के किले का सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ये गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों प्रकार की श्रेणी में आता है। एक तो पहाड़ी पर भी बना हुआ है और जंगल में भी बना हुआ है, इसलिए इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है और वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह को इसी दुर्ग में कैद रखा था। एक युद्ध हुआ था, दोराई का युद्ध, पहले धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा सिंह के बीच में। इसके बाद 1659 में एक दोराई का युद्ध हुआ था, दोराई का युद्ध शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा सिंह के बीच में। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह को पराजित कर और उसे बंदी बना करके इसी काकनबाड़ी दुर्ग में कैद किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पूछते हैं ये, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह को कौन से दुर्ग में कैद किया था? तो काकनबाड़ी दुर्ग अलवर के अंदर इसमें कैद किया था ना। दुर्ग की जो ऊपरी मंजिल पर भित्ति चित्र से अलंकृत बारादरी बनी हुई है। तो ये काकनबाड़ी दुर्ग में कैद किया था अपने भाई को दारा सिंह को, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं बाणगढ़ दुर्ग। बाणगढ़ दुर्ग अलवर में, खंडहरू का नगर कहते हैं, भूतू का किला के नाम से जाना जाता है बाणगढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग सावन नदी के तट पर सरिस्का अभ्यारण्य में राजगढ़ तहसील में आमेर के राजा भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा संरक्षित में है। जो सूर्यास्त के बाद में यहाँ पर प्रवेश निषेध है, रात को किसी को जाने नहीं देते हैं, ऐसा माना जाता है इसमें कि भूत वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट है राजौरगढ़ जिसे नीलकंठ दुर्ग भी कहते हैं। राजौरगढ़ दुर्ग, तो इतना ही ध्यान रख लेना, राजौरगढ़ दुर्ग कहाँ है या नीलकंठ दुर्ग कहाँ है? तो अलवर में है, देख लेते चलो इसमें। यह दुर्ग अलवर जिले के टेला कस्बे के पास अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित है। 12वीं शताब्दी में यहाँ बड़ गुजरों का शासन रहा था। यहाँ पे बड़ गुजर शासक मंथन देव के द्वारा यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पश्चात ये नगर नीलकंठ राजौरगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है यहाँ पे। ये मंदिर, यहाँ पर एक जैनियों का भी मंदिर बना हुआ है जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की भव्य प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे 9 गजा मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जो 9 गजा मंदिर कहा जाता है? तो बताएंगे नीलकंठ के यहाँ पर जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसे 9 गजा मंदिर भी कहते हैं, नीलकंठ मंदिर को।
इस कस्बे को पारा नगर भी कहा जाता है। पारा नगर किसे कहते हैं? तो नीलकंठ जो कस्बा है, राजौरगढ़ दुर्ग है, इसको पारा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट है निमराणा दुर्ग। निमराणा दुर्ग इसे एक तो पंचमहल के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र पंचमहल के नाम से जाना जाता है? निमराणा दुर्ग। इसका निर्माण 1464 ईस्वी में चौहान शासकों के द्वारा करवाया है, बस इतना ध्यान रख लेना। अजबगढ़ का दुर्ग, अजब सिंह ने अलवर में, अजबगढ़ दुर्ग कहाँ है? अलवर में, बस ये ध्यान रख लेना, अलवर में है अजबगढ़। तिजारा का किला, अलवर में है तिजारा का किला। और यहाँ पर चंद्र प्रभु स्वामी का जैन मंदिर है। चंद्र प्रभु स्वामी का जैन मंदिर कहाँ है? तिजारा अलवर में। ये जैनियों के 8वें तीर्थंकर हुए थे चंद्र प्रभु जी, इनका मंदिर बना हुआ तिजारा। तो किला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मंदिर इम्पोर्टेंट है। चंद्र प्रभु स्वामी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिजारा अलवर में। और ये जैनियों के 8वें तीर्थंकर है। तो ये देखा था अपने अलवर में दुर्ग, तो कौन कौन से दुर्ग देखे थे? अलवर का किला, बाला किला देखा था, उसके बाद अपने काकनबाड़ी का किला देखा, बानगढ़ किला, राजौरगढ़ किला, निमराणा दुर्ग, अजबगढ़ और तिजारा दुर्ग, ये अपने अलवर में दुर्ग देखे हैं। ये है अलवर का बाला किला। बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में। और अलवर का किला के नाम से इसे जाना जाता है, अलवर का किला। अलवर का किला। चले आगे बात करते हैं। यह है बानगढ़ का किला। बानगढ़ का किला कहते हैं, भूतों का दुर्ग कहते हैं। बानगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो बताएंगे अलवर में। अलवर में है बानगढ़ का दुर्ग। यस, आगे बात करते हैं प्रमुख मंदिर। अलवर में प्रमुख मंदिर की बात करें, कौन कौन से मंदिर है जहां से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं? तो पहला मंदिर देखते हैं, पांडुपोल मंदिर। पांडुपोल जो मंदिर है कहाँ है? अलवर में। ठीक है, तो पूछते हैं पांडुपोल। एक पांडवन पोल, ये चित्तौड़ दुर्ग का दरवाजा है, पांडन पोल है वो, और ये पांडुपोल है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को उनके अज्ञातवास के दौरान कौरवों की सेना ने घेरा था, तब भीम ने पहाड़ में गदा मारकर रास्ता निकाला, जिसे पांडुपोल कहा जाता है। इसके बाद इस स्थान को पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। ये एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। इस स्थान पर मंदिर में हनुमान जी की शैल मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है, जो हनुमान जी की एकमात्र यहाँ पर मूर्ति, तो पूरे भारत में एकमात्र हनुमान जी की मूर्ति है जो शयन मुद्रा में है, सोते हुए, सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति है। तो लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है? पांडुपोल अलवर में, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को हनुमान जी का विशाल मेला भरता है। जो गणेश चतुर्थी आती है उसी समय यहाँ पर मेला भरता है। तो यह देखा था पांडुपोल अलवर में है, इतना ध्यान रख लेना, और हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। नेक्स्ट है नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? राजगढ़ अलवर में। राजगढ़ तहसील के समीप बरवा की डोंगरी की तलहटी में, तो राजगढ़ याद रख लेना, राजगढ़ में है नारायणी माता का मंदिर। ये नारायणी माता नायों की कुल देवी है, नायों की कुल देवी है, सेन समाज की कुल देवी है नारायणी माता। मीणा जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं, अभी भी विवाह चल रहा है नाई जाति और मीणा जाति को में पूजा को लेकर के। तो यहाँ पर जो मीणा जाति है यह भी इनको पूजती है, और सेन समाज नाई जाति यह भी इनको पूजती है। वैशाख शुद्धि एकादशी को यहाँ पर मेला लगता है नारायणी माता। तो नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है, सेन समाज की कुल देवी है, मीणाओं की भी देवी है।
धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ है? धौलागढ़ देवी का मंदिर तो अलवर में है, कठुमर तहसील के बहुत कलान गांव में है। तो धौलागढ़ देवी अलवर में है, इतना ध्यान रख लेना। पूछा हुआ प्रश्न है धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ है, तो अलवर में है। चलो थोड़ा सी डिटेल देख लेते हैं। धौलागढ़ देवी के बारे में जानकारी मिलती है कि यह धौला धौलिया गोत्र यानी नागवंश जाट शासक की पुत्री थी, धौलिया जाट की ये पुत्री थी। ये देवी की परम भक्त थी। लोक देवता जो तेजाजी का जो जन्म है इसी धौलिया धौला धौलिया जाति नागवंश जाट में हुआ था। खरनाल में जो जन्म हुआ तेजाजी का वो नागवंशी धौलिया जाति में ही गोत्र में ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो 9वीं सदी में धौलपुर के धौलिया नागवंशी शासकों ने करवाया था मंदिर का निर्माण। यह अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित मंदिर है। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 101 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। 300 से 350 साल पहले भरतपुर रियासत के अधीन जब यह क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र था उस समय इसका पुनर्निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो सूरजमल जाट ने करवाया था। वैशाख पंचमी से 7 दिन का मेला भरता है जिसमें हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो धौलागढ़ देवी अलवर में है, इतना ध्यान रख लेना। धौलागढ़ देवी अलवर में इनका मेला लगता है। ताल वृक्ष, यह ऋषि मांडव्य की तपोभूमि है। ताल वृक्ष अलवर में। भर्तहरि की धाम इंपोर्टेंट है भाई, भर्तहरि की धाम इंपोर्टेंट है। कनपट्टे नाथ संप्रदाय का कुंभ है, कनपट्टे साधुओं की तीर्थस्थली और कनपट्टे नाथ संप्रदाय का कुंभ किसे कहा जाता है, तो भर्तहरि धाम को कहा जाता है। भर्तहरि कौन हुए थे? उज्जैन के राजा भर्तहरि ने अपने जीवन का अंतिम समय यहीं पर बिताया था, यहीं पर तपस्या की थी भर्तहरि ने सरिस्का अलवर में। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मेला भरता। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी जो राधा अष्टमी आती है उसी समय यहाँ पे मेला भरता। भर्तहरि का जो जन्म है चाक्षु में हुआ जबकि इनकी गुफा पुष्कर में। इस मेले में मीणा और अहिर जाति के लोग सर्वाधिक भाग लेते हैं। तो भर्तहरि का जो मेला कहाँ भरता है, तो भर्तहरि का मेला सरिस्का अलवर में भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। और यह मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, भर्तहरि का मेला नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नीलकंठेश्वर धाम, नीलकंठ बड़ गुजरू की राजधानी थी। यहाँ पर बड़ राजा अजय पाल ने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनाया था और यहीं पर नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति है। नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति सरिस्का अलवर में है, नीलकंठ धाम के यहीं पर है। यहाँ पर काले रंग का नीलम धातु से बना शिवलिंग भी है, ठीक है। एक जिलानी माता का मंदिर बहरोड, बहरोड में जिलानी माता है। तो कौन कौन सी देवियां देखी अपन ने, मंदिर देखे यहाँ पे? पांडुपोल अलवर में है, नारायणी माता, धौलागढ़ देवी का मंदिर है, ताल वृक्ष, भर्तहरि धाम, नीलकंठेश्वर धाम है और नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है सरिस्का अलवर में। जिलानी माता का मंदिर है बैरोड अलवर में। चले आगे बात करते हैं, देखते हैं। ये है लेटे हुए हनुमान जी अपने, ये है पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। पांडुपोल में अलवर में लेटे हुए हनुमान जी की शैल मुद्रा है और ये है नारायणी माता, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है, जैन समाज की कुल देवी है। चलिए प्रमुख महल देख लेते हैं, अलवर में कौन कौन से महल है। तो नाम नाम ध्यान रख लेना। सिटी पैलेस अलवर, सिटी पैलेस अलवर का इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने, विनय सिंह ने अलवर पैलेस जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है इसका निर्माण करवाया। सरिस्का पैलेस निर्माण जय सिंह ने 1980 में सरिस्का पैलेस। हवा बंगला, इस महल का निर्माण विनय सिंह के काल में बख्तावर सिंह ने हवा बंगला का निर्माण करवाया, जबकि हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर में। फतेहगंज गुम्बद, तो इसका निर्माण ये 5 मंजिला अलवर में है, विजय विलास अलवर में है। तो ये सिटी पैलेस अलवर वाले सरिस्का पैलेस इनका ध्यान रख लेना और फतेहगंज गुम्बद ये भी अलवर में है। तो इतना
नाम देख लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख क्षत्रियां, अलवर में स्थित प्रमुख क्षत्रियां कौन कौन सी यहां पे क्षत्रिया है, तो पहली छत्री है मूसी रानी की छत्री, इंपोर्टेंट है भाई मूसी रानी की छत्री। अस्सी कंबू की छत्री है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये अस्सी कंबू की छत्री है, जबकि चौरासी कंबू की छत्री कहाँ है, तो चौरासी कंबू की छत्री बूंदी में, ये अस्सी कंबू की छत्री है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 1815 ईस्वी में मूसी रानी की स्मृति में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, मूसी रानी की स्मृति में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। इस छत्री की ऊपरी जो मंजिल है उस पर रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए हैं। यह है, ये देखिए, यह है मूसी महारानी की छत्री है, अस्सी खंभों की छत्री है अलवर में, दो मंजिला है ये। इसमें टोटल ये गिनेंगे तो कितने खंभे मिल जाएंगे आपको, 80 खंभे मिल जाएंगे। तो मूसी महारानी की छत्री इंपोर्टेंट है, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया 1815 में, और 80 कंबू की छतरी है। नेक्स्ट टहला की छतरी, टहला की छतरी हिंदू स्थापत्य शैली से बनी, इस छतरी में दशा अवतार की भित्ति चित्रण किया गया है इस टहला की छतरी में। तो टहला की छतरिया ये इतना ध्यान रख लेना, टहला की छतरिया कहाँ है, अलवर में। नेक्स्ट है नेड़ा की छतरिया, नेड़ा की छतरिया ये सरिस्का अलवर में है, नाम ध्यान रखना, नेड़ा की छतरिया अलवर में। बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में है, और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ है, तिजारा, तिजारा अलवर में अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है। फिर उसके बाद देखे सफदरगंज मीनार, सफदरगंज मीनार ये भी अलवर में। तो कौन कौन सी छत्रियां देखी अपन ने, मूसी महारानी की छत्री है, टेला की छत्री है, नेड़ा की छत्री, बख्तावर सिंह की छत्री, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा अलवर में है, और सफदरगंज मीनार अलवर में। चलिए आगे बात करते हैं संग्रहालय, अलवर का प्रसिद्ध संग्रहालय, संग्रहालय की बात करें तो यहाँ पर कौन सा संग्रहालय है, तो संग्रहालय में देखा जाए तो यहाँ पे जो संग्रहालय है अलवर संग्रहालय, इस संग्रहालय की स्थापना 1940 में महाराजा तेज सिंह के काल में होती है। तेज सिंह वही है जब एकीकरण किया जा रहा था, उस समय अलवर के शासक तेज सिंह ही है, तो उन्होंने ये अलवर संग्रहालय की स्थापना की। इस संग्रहालय में राग रागिनी बारह मासा संबंधी चित्रण बड़े सुंदर है। संग्रहालय की स्थापना सर्वाधिक योगदान मेजर हार्वे ने दिया, इतना कोई नहीं है खास। चित्रशैली, अलवर चित्रशैली की बात करें, अलवर चित्रशैली तो देखते हैं अलवर चित्रशैली में किस किस जो कौन कौन सी लाइन इंपोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अलवर चित्रशैली में देखा जाए, यस, अलवर चित्रशैली, इस चित्रशैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगलों अंग्रेजों का पड़ा था। राजस्थान पर ऐसी कौन सी शैली है जिस पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा है, तो बताएंगे अलवर चित्रशैली, इस पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। दूसरी, ये जो अलवर चित्रशैली है ये जयपुर शैली और दिल्ली शैली का मिश्रण है। एक तो ये ढूंढाड़ स्कूल में आती है, ढूंढाड़ स्कूल के अंदर आती है और अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ये जयपुर और दिल्ली शैली का मिश्रण है। इसका जो आरंभ है वो प्रताप सिंह के समय हुआ, जयपुर चित्रशैली का आरंभ किसके समय हुआ है, तो प्रताप सिंह के समय हुआ है। और स्वर्ण काल इंपोर्टेंट है, अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह के काल को माना जाता है। एकमात्र चित्रशैली जिसमें वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं, गणिकाओं के चित्र बने हुए हैं, ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें गणिकाओं के चित्र बने हुए हैं, तो अलवर चित्रशैली में, यहाँ की विशेषता। इस चित्रशैली में महाराजा शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। हाथी दांत पर चित्र बनाने में मूलचंद नामक चित्रकार दक्ष था, मूलचंद नामक चित्रकार जो हाथी दांत पर चित्र बनाता था इसमें दक्ष था। विनय सिंह ने शेख दासी की पुस्तिका गुलदिस्ता की पांडुलिपि को भारतीय और पारस शैली में गुलाम अली नामक चित्रकार से चित्रित करवाया था। ठीक है,
इस शैली का प्रमुख विषय योगासन रहा है। अलवर चित्रकला शैली की एक अन्य विशेषता है बॉर्डर चित्रण। यहाँ पर जो चित्रकार होते थे वो बॉर्डर पर इस प्रकार से चित्र बनाते थे। बॉर्डर पर जो चित्र है वो कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? तो अलवर चित्र शैली की विशेषता है कि यहाँ पर जो है बॉर्डर पर चित्र बनाते हैं। इसके अलावा सेकावाटी में भी ये देखा जाता है। नेक्स्ट, इस चित्र शैली में सफेद बादलों का चित्रांकन किया गया है। चित्रकार में देखा जाए तो गुलाब अली है, बुद्धाराम, बलदेव, सहदेव, डालचंद, छोटेलाल, नंदराम, ये यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं। तो अपन ने देखी थी अलवर चित्र शैली। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, लोकवाद्य यंत्र। लोकवाद्य यंत्र, तो लोकवाद्य यंत्र में देखे तो यहाँ पे है एक अपंग, यहाँ नहीं आया, किधर चला गया, अपंग। अपंग और बपंग ये दोनों अलवर क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र अपंग। अपंग को तुम्बे से काट कर निर्मित किया गया। आगे बात करें बपंग, ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बपंग तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और बपंग का जादूकर है जहूर खान मेवाती। बपंग का जादूगर किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? जहूर खां मेवाती को बपंग का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट, आल के तुम्बे से बने इस लोकवाद्य यंत्र को बगल में दबा करके बजाया जाता है। और मेवाती क्षेत्र में यहाँ के अलवर के जो जोगी लोग हैं इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है ये देखो, इस प्रकार से ये दिखता है बपंग। ठीक है, ये डमरू के आकार का होता है, फिर इधर से क्या है एक लंबा धागा रखते हैं जिसको फिर खाक में दबा करके इस टाइप से इसको बजाया जाता है बपंग को। हाँ, बपंग देख रहे थे, बपंग हो गया। जहूर का मेवाती इसके प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट देखते हैं रबाब हो या रवाब। राजस्थान में रबाब वाद्य यंत्र अलवर और टोंक जिले में बजाया जाता है। यह भी एक तत्व वाद्य यंत्र में आता है। रबाब तत्व वाद्य यंत्र है, अलवर क्षेत्र में और टोंक क्षेत्र में इसे बजाया जाता है। रबाब वाद्य यंत्र मेव और बाट जातियों के द्वारा यह बजाया जाता है, अर्थात मेवों और बाटों के द्वारा बजाया जाता है रबाब। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र देखा अपन ने? अपंग, बपंग और रबाब। बपंग अति महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है। जोर का मेवाती इसके प्रसिद्ध कलाकार है। अलवर के जोगी लोग इस बपंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं, लोक नृत्य और गीत। अलवर क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य और गीत की बात करें तो बम नृत्य और बम रसिया नृत्य है अलवर और भरतपुर का। वैसे ज्यादातर ये भरतपुर का है, जब अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो भरतपुर बताएंगे। वैसे दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, अलवर और भरतपुर में। होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जो होली के अवसर पर अभी जो फसलें वगैरह काट रहे हैं तो नई फसल आने की खुशी पर एक बड़ा नंगाड़ा खेत में लेकर के जाते हैं। उस बड़ा जो नंगाड़ा होता है उस नंगाड़े को ही बम कहते हैं, साथ में गीत गाते हैं, उसको रसिया कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बम रसिया। बम या नंगाड़े के साथ रसिया गाने वाले, रसिया गाने के कारण इसे बम रसिया कहते हैं। तो बम रसिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अलवर और भरतपुर। ठीक है, होली के अवसर पर। नेक्स्ट है रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य, रणबाजा और रतवई ये दोनों मेव जाति के द्वारा किया जाता है। रणबाजा ये नृत्य मेवात क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, रणबाजा नृत्य। और रतवई नृत्य मेव जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। रणबाजा और रतवई ये दोनों मेवात क्षेत्र के हैं और मेव जाति के द्वारा, महिलाओं के द्वारा ये रतवई नृत्य किया जाता है। अगला है खारी नृत्य। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के अवसर पर अलवर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा खारी नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं हिचकी गीत। अलवर क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध ये लोकगीत है हिचकी गीत। और यह गीत किसी की याद में गाया जाता है, किसी की याद में गाया जाता है, हिचकी है तो इसका नाम पड़ गया हिचकी गीत। हिचकी आती किसी की याद में तो वो
याद में गाया जाता है, इसलिए इसको नाम रख दिया गया है हिचकी गीत है। नेक्स्ट देखते हैं अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल की बात करें तो सीधा सीधा याद रखना अली बख्शी ख्याल कहाँ की है, अलवर की। काफी एग्जामों में आया हुआ अली बख्शी ख्याल कहाँ की है तो अलवर की है। इसके जो प्रवर्तक है अली बख्शी, ऐसे अलवर ऐसे अली बख्शी याद रख लेना। इसके प्रवर्तक है भंडावर के ठाकुर रूडे खां के पुत्र अली बख्शी, अली बख्शी याद रखना। अली बख्शी इसके प्रवर्तक है अली बख्शी ख्याल के। और इस अली बख्शी को राजस्थान का रसखान कहा जाता है। राजस्थान का रसखान किसे कहते हैं तो बताएंगे, अली बख्शी को राजस्थान का रसखान कहते हैं। तो क्या कौन कौन से अपन ने नृत्य और गीत देखे हैं, बम नृत्य देखे हैं, बम रसिया, रणबाजा नृत्य, रतवई मेव जाति के द्वारा, खारी नृत्य, हिचकी गीत और अली बख्शी ख्याल है। और अली बख्शी को राजस्थान का रसखान कहा जाता है। चले आगे देखते हैं क्या आता है आगे। प्रमुख संप्रदाय, अलवर जिले से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय है तो पहला देखते हैं लालदास जी। लालदास जी, लालदास जी का संबंध अलवर जिले से है, मेवात क्षेत्र से है। प्रश्न आ जाए राजस्थान के ऐसे कौन से संत हुए जो मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत हुए हैं तो बताएंगे मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत हुए थे लालदास जी। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया, लालदासी संप्रदाय। लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में दोली दूब अलवर में हुआ था। दोली दूब अलवर में लालदास जी का जन्म होता है। ये मेव जाति के थे, लालदास जी मेव जाति के थे। मेव जाति कौन थे, जो पहले हिंदू थे लेकिन बलबन और दिल्ली सल्तनत का शासक आया था बलबन, बलबन और औरंगजेब ने, वैसे हिंदू जिनको जबरदस्ती से मुसलमान बना दिया गया है वो मेव कहलाए। तो मेव जाति में इनका जन्म हुआ है 1540 में दोली दूब गांव में। दोली दूब गांव इंपोर्टेंट है, दोली दूब गांव में जन्म हुआ। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला जाज भरतपुर में। जन्म तो दोली दूब में हुआ है लेकिन लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, नगला जाज भरतपुर में। नगला जाज में लालदास जी की यहाँ पे मृत्यु हुई है और लालदास जी की जो समाधि है वो शेरपुर अलवर में, शेरपुर अलवर में इनकी समाधि है। लालदास जी के जो उपदेश है लालदासी चेतावनियां है, लालदासी चेतावनियां है, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ है और प्रधान पीठ कहाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लालदासी संप्रदाय के। लालदास जी ने तिजारा के अलवर के गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। इनके गुरु का क्या नाम था, अलवर के ही जो तिजारा के गदन चिश्ती से इन्होंने शिक्षा ली है। और मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बढ़ावा दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बढ़ावा दिया था। और बात करें लालदास जी से मिलने दारा सिक्को गया था, दारा सिक्को है, दारा सिक्को मिलने गया था और पूछा था लालदास जी से कि लालदास जी अलवर के अगले बादशाह कौन होंगे। जब साझा शासक था उस समय पूछने गया था तो इनसे पूछा था लालदास जी को कि दिल्ली के अगला शासक कौन होगा, तो लालदास जी ने कहा कि जो भाइयों की हत्या करेगा वो ही दिल्ली का शासक बनेगा। बताया था कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वो ही दिल्ली का अगला बादशाह होगा। और इनकी जो बात सिद्ध हो गई थी, सच निकल गई थी, औरंगजेब ने अपने भाइयों का वध करके दिल्ली का बादशाह बना था। चले लालदासी संप्रदाय में उपदेश वाणी संग्रह में है। लालदासी संप्रदाय के लोग मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं और लालदासी संप्रदाय में जो है साधु स्वयं कमा कर खाते हैं, कभी भीख नहीं मांगते हैं, खुद ही कमाते हैं और खाते हैं। लालदासी संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए जो शिष्य होते हैं, जो भी शिष्य ये जो लालदासी संप्रदाय अपनाता है वो उनको गधे पर उल्टा बिठा करके मुँह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाता है ताकि वो यह ना बोले कि मेरे शहर में इतनी इज्जत है। वो उनको जो गधे पर बिठा करके, तो प्रश्न आ जाए कि कौन से संप्रदाय में शिष्य को दीक्षा ग्रहण करने से पहले दीक्षित करने के लिए उनको गधे पर उल्टा बिठा करके
काला मुंह करके घुमाया जाता है तो लाल दासी संप्रदाय, ठीक है। तो लाल दासी संप्रदाय देखा था। अगला है चरण दासी संप्रदाय। चरण दासी संप्रदाय जो चरण दास जी ने चलाया था, चरण दास जी का जन्म हुआ है डेरा गांव अलवर में। डेरा गांव अलवर में 1703 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम था रणजीत सिंह डाकू। रणजीत सिंह डाकू चरणदास जी का बचपन का नाम था, ठीक है। पिताजी का नाम मुरलीधर था, माता का नाम कुंजो देवी था। इन्होंने शिक्षा जो है मुनि सुखदेव से प्राप्त की थी, सुखदेव से शिक्षा प्राप्त की है। और चरणदास जी ने 42 नियमों के साथ चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो 42 नियम, जैसे अलग अलग नियम आते हैं कि विष्णुवी संप्रदाय में कितने नियम है, तो 29 नियम है। जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है। उसी प्रकार से चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है, तो बताएंगे 42 नियम है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में, यह भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे संत है जिनका जन्म अलवर में हुआ है और इनकी जो प्रधान पीठ है चरणदासी संप्रदाय की वो दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय में सगुण और निर्गुण भक्ति की धारा मिश्रण है। सगुण और निर्गुण, वैसे निष्कलंकी संप्रदाय, दो संप्रदाय ऐसे हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण है, जो मूर्ति पूजा भी करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं। जिसमें मूर्ति पूजा करते हैं वो तो है सगुण भक्ति वाले, और ऐसा संप्रदाय जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं वो है निर्गुण भक्ति वाले। तो ये चरणदासी जो संप्रदाय है, सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का मिश्रण माना जाता है। नादिर शाह के भविष्य, चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और फिर भविष्यवाणी सिद्ध भी हुई है। भविष्यवाणी इनकी सिद्ध हुई है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने नादिर शाह की भविष्यवाणी की थी, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, तो बताएंगे वो थे अपने चरणदास जी। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चलिए आगे देखते हैं। नादिर शाह ने फिर 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय भारत के बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। और फिर नादिर शाह ने यहां से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ ये लेकर के चला गया था। काफी सारा धन भी लूट के लेकर गया था। चरणदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं को विशेष महत्व दिया और योगेश्वर कृष्ण की भक्ति के उपदेश दिए थे। चरणदास जी के ग्रंथ है ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान, सर्वोदय, ऐसे कुल मिलाकर के 14 ग्रंथ हुए थे। चरणदास जी की शिष्याएं सहजो भाई और दया भाई। प्रश्न आता है कि सहजो भाई और दया भाई ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो बताएंगे ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। और यह भी ध्यान रखना, सहजो भाई जो है ये राजस्थान की पहली महिला महंत भी हुई है। राजस्थान की पहली महिला जो संत हुई थी, महंत हुई थी, वो कौन है, सहजो भाई। ये किसकी, किनकी शिष्य थी, तो चरणदास जी की शिष्य। जन्म डेरा गांव में हुआ। सहज प्रकाश शब्द वाणी की रचना की थी, ठीक है। दूसरी है दया भाई, इनका जन्म भी डेरा गांव में हुआ था। इन्होंने दया बोध और विनय मालिका लिखी थी, ठीक है, मेवाती भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, मेवाती भाषा में लिखी थी। सहज प्रकाश, सहजो भाई ने सहज प्रकाश, दया भाई ने दया बोध और विनय मालिका ग्रंथ लिखे थे। चरणदासी संप्रदाय के दो भाग हो गए थे, विरक्त सन्यासी जो पीले वस्त्र और ललाट पर गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, और एक है घरवासी जो गृहस्थी जीवन अपनाते हैं। तो दो संप्रदाय देखा था अपने, लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय। दोनों अलवर जिले से संबंधित है और दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। ये है लालदास जी।
ये लाल दास जी है जिन्होंने लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की है, मेव जाति के हुए हैं। और ये है चरण दास जी जिन्होंने चरण दासी संप्रदाय की स्थापना की, प्रधान पीठ दिल्ली में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख बोलियां। बोलियों की बात करें कौन कौन सी बोलियां हैं, तो मेवाती बोली, मेवाती बोली ये बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, हरियाणा के गुड़गांव और उत्तर प्रदेश के मथुरा तक बोली जाती है। वैसे अलवर और भरतपुर मेन है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती मेवाती बोली। संत चरणदास जी और लालदास जी और चरणदास जी की शिष्याएं कौन कौन, दया भाई और सहजो भाई, इनकी रचना मेवाती भाषा में ही है। लालदास जी, चरणदास जी और चरणदास जी की जो शिष्याएं हैं उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं वो मेवाती भाषा में ही लिखे हैं। तो एक तो ध्यान रखना मेवाती जो बोली है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी चीज ये याद रखना, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा को जोड़ने का जो काम करती है वो कौन सी बोली जोड़ती है, मेवाती। जो ये राजस्थान है ऊपर, ये दिल्ली वगैरह यहाँ पर जो है हिंदी बोली बोली जाती है, अपने राजस्थान राजस्थानी है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी बोली करती है, तो मध्य सेतु का काम करती है मेवाती बोली। ठीक है, मेवाती बोली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अहिरवाटी। अहिरवाटी बैरोड और मुंडावर, बैरोड और मुंडावर और कोटपुतली ये बोली बोली जाती है अहिरवाटी। जो राठी क्षेत्र देखा था ना कल, राठी क्षेत्र, राठ क्षेत्र, उस राठ क्षेत्र में ये राठ और अहिरवाट क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर यह बोली बोली जाती है। प्रमुख शिलालेख देखे, शिलालेख कौन कौन से हैं, राजोगढ़ शिलालेख, राजोगढ़ का लेख 1923 में राजोगढ़ के शिल्पकार सर्वदेव द्वारा शांतिनाथ मंदिर में इसका निर्माण करवा, इतना खास नहीं है। माचेड़ी बावड़ी शिलालेख, बड़ गुजरू शब्द का सबसे पहले प्रयोग माचेड़ी शिलालेख, यहाँ जो बावड़ी का शिलालेख यहीं पर मिला है। अजबगढ़ का लेख, अलवर के अजबगढ़ में सोम सागर के पास एक दीवार पर अंकित है, दो भाषाओं में लिखा हुआ, इतना ज्यादा खास नहीं। नेक्स्ट है किसान आंदोलन, अलवर के प्रमुख किसान आंदोलन। चलो कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे, अलवर का किसान आंदोलन की बात करें तो 1921 में अलवर में किसान आंदोलन चला था। उस समय यहाँ के शासक थे जय सिंह, आगे आ जाएगा कहीं लिखा हुआ, जय सिंह यहाँ का शासक था। तो इस समय क्या होता है कि यहाँ पर जो सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि सूअरों को नहीं मार सकते हैं, तो सूअर जो है वो किसानों की फसलों को खराब कर देते थे, इसलिए फिर यहाँ पर किसान आंदोलन होता। तो प्रश्न आ जाए किस रियासत में सूअरों की समस्या को लेकर के किसान आंदोलन हुआ, तो बताएंगे अलवर। तो 1921 में अलवर में किसान आंदोलन शुरू हुआ। अलवर में जंगली सूअरों को रोंदू में पाला जाता था जिनको रियासत की पाबंदी के कारण मारा नहीं जा सकता है। जंगली सूअर फसलों को नष्ट कर देते थे और अतः किसानों ने आंदोलन को रास्ता अपनाया था, भाई अब ये फसलों को नष्ट कर देते हैं सूअर है, तो एक ही तरीका है कि अब इनसे बचना है, इनसे बचना है सूअरों से, तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अलवर के महाराजा कौन थे, जय सिंह थे, यहाँ पे है जय सिंह, तो सूअरों को मारने की आज्ञा दे दी और रोंदू को हटा दिया गया। फिर है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन 1923-24 में लागू की गई भू राजस्व बंदोबस्त में मेव किसानों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। 1932 में मेव किसान आंदोलन जो मेवात अलवर भरतपुर में का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली ने, ठीक है, मोहम्मद अली ने, और एक फिर बाद में किया था चौधरी यूनुस ने, चौधरी यूनुस, यूनुस ने इसका नेतृत्व किया था। सन याद रख लेना मेव आंदोलन का। निमोचना, इसको तो इम्पोर्टेंट कर ही लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, निमोचना किसान आंदोलन। निमोचना किसान आंदोलन 1923-24 में होता है। निमोचना किसान आंदोलन अलवर में हुआ है। निमोचना गांव अलवर में बांसूर जो तहसील में पड़ता है। अलवर की जो 80% भूमि जो खालसा के अंतर्गत आती है, खालसा क्षेत्र जो सीधा केंद्र का अधीन होता है उसको खालसा क्षेत्र कहते हैं, और 20% क्षेत्र जो है जागृत भूमि के नियंत्रण में थी। अलवर में अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायी भू राजस्व के अधिकार प्राप्त थे, जिसे विश्वादारू के नाम से जाना जाता था। अलवर में भू राजस्व की गलत पद्धति इजारा पद्धति, इजारा पद्धति क्या होती कि जो भी ऊंची बोली लगाएगा
उनको ये क्षेत्र दिया जाता था। ये जो ऊंची बोली लगाने वाले, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वालों को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी, जिस कारण से यहाँ पर नेमू चढ़ा में किसान आंदोलन होता। 1923 में अलवर के शासक जय सिंह के द्वारा किसानों पर लाग बाग कर जो लगाया था, जिस कारण से यहाँ पर किसान आंदोलन होता। 1924 में नेमू चढ़ा आंदोलन की समस्या को माधव सिंह और गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया था। ये आंदोलन को जो उकसाया था, उन्होंने बताया था कि ये जो अत्यधिक लाग बाग लगाई जा रही किसानों पर, ये बहुत गलत है, इसका आंदोलन करके इसको समाप्त करवाना चाहिए। और फिर बाद में नीमूचना गांव के किसान रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी ने 14 मई 1925 को नीमूचना गांव में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लागत नहीं देंगे। घटना याद रखना 14 मई को है ना, नीमूचना घटना 14 मई को। यहाँ पर सीता देवी जो है महिलाओं का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर नारा लगा रही थी कि हम किसी भी हालत में ठिकानेदार को अधिक लागत नहीं देंगे। तभी छाजू सिंह के नेतृत्व में सन जो याद रखना, तारीख भी याद रखना, 14 मई 1925 में लगभग 800 किसान इस किसान आंदोलन में जो भाग ले रहे थे, सभा में भाग ले रहे थे, जिसमें अंग्रेज कमांडर छाजू सिंह ने गोलियां चला दी थी। छाजू सिंह नाम आता है, छाजू सिंह ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 100 से अधिक किसान शहीद हो गए थे और संपूर्ण गांव राख हो गया था। किसानों की सभा पर छाजू सिंह जो है गोलियां चलाई थी। ऐसी गोलियां आपको पता हो तो नीमूचना जैसे कांड की जो घटना है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी हुई थी, जहां पर जनरल डायर ने जो सभा हो रही थी सभा पर गोलियां चलाई थी, जिसमें सैकड़ों जो है लोग शहीद हो गए थे। ऐसे ही अपने राजस्थान में हो गया था, इसीलिए छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का जो आदेश दिया था, वो किसने दिया था? छाजू सिंह ने दिया था, सॉरी जनरल डायर ने दिया था जलियांवाला बाग में, और यहाँ पर नीमूचना में छाजू सिंह ने दिया था, इसलिए छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। महात्मा गांधी ने पत्रिका यंग इंडिया में नीमूचना कांड की जो है तुलना इसमें जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताते हुए दोहरे डायर शाही ड्यूरीज में डायर शाही की संज्ञा दी गई। कहा कि एक तो डायर शाही जो पहले गोलियां चलाई थी, वापस उसी जो डायर की जो घटना है उसको दोहराई जा रही, ड्यूरीज में डायर शाही की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान की कौन सी घटना को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही या ड्यूरीज में डायर शाही की संज्ञा दी गई है? नीमूचना हत्याकांड को। ठीक है, तरुण और नवीन राजस्थान जो विजय सिंह पथिक जी निकालते थे, और प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी ने नीमूचना घटना को इसमें प्रकाशित किया है। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, देखो पहले राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड आ जाए तो उसको बताएंगे, और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाए तो नीमूचना हत्याकांड। और मानगढ़ हत्याकांड ऑप्शन में नहीं है, और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जा रहा है तो नीमूचना हत्याकांड को बताएंगे। तो प्रश्न आता है, इंपोर्टेंट कर लेना नीमूचना किसान आंदोलन को 14 मई 1925 को। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना, जो सीधा याद रखना अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, और पंडित हरि नारायण शर्मा कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष है श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी जो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं, और 1944 में अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन भवानी शंकर शर्मा ने किया था। और ध्यान रखना अलवर और जयपुर दो प्रजामंडल ऐसे हुए हैं जिन्होंने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया कौन कौन से प्रजामंडल आंदोलन ने? तो अलवर और
जयपुर प्रजामंडल है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति की बात करें, प्रमुख व्यक्ति देखे अलवर जिले से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति है, शोभाराम कुमावत। शोभाराम जी कुमावत 1914 में अलवर में जन्म हुआ शोभाराम जी कुमावत का, और 18 मार्च 1950 का जो मत्स्य संघ एकीकरण में जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उस मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं शोभाराम कुमावत को, और 1984 में निधन हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं मेजर सौरभ सिंह शेखावत। मेजर सौरभ सिंह शेखावत माउंट एवरेस्ट को 4 साल में 3 बार फतेह करने वाले जाबाज शेखावत जी ने सेना के पहले महिला पर्वतारोही अभियान का भी नेतृत्व किया था। पहले महिला पर्वतारोही एवरेस्ट का अभियान का भी नेतृत्व किया था। तो अलवर के मेजर सौरभ सिंह जी शेखावत ने 5 साल में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। नेक्स्ट राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह इनको जोड़े वाले बाबा और वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह अलवर के सिंचाई एवं जल के संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित कर रखा है। नेक्स्ट ज्ञानी संत मस्किन जी सिख धर्म के प्रवचनकार थे, अलवर के निवासी थे, 2005 में निधन हो जाता है ज्ञानी संत मस्किन। देवकीनंदन शर्मा अलवर निवासी शर्मा जी, देवकीनंदन शर्मा जी जो पशु चित्रण में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की, इसलिए देवकीनंदन शर्मा जी को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट देवकीनंदन शर्मा, जो ये चित्र वगैरह बनाते थे प्रकृति से संबंधित ये चित्र बनाते थे, इसलिए मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ध्यान रखना अलवर में काकापुरी है, उनको पेड़ वाले बाबा के नाम से जानते हैं। पेड़ वाले बाबा के नाम से किसे कहा जाता है, काकापुरी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्मरणीय तथ्य और कुछ जो तथ्य है वो देख लेते हैं। अलवर में अलवर जिले की आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है। मैप देखना वापस शुरू से, जो अलवर जिले की आकृति है चतुर्भुजाकार है। राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल गांव अलवर जिले के जारोली गांव में स्थित है। राष्ट्रीय स्तर का पहला जो खेल गांव है अलवर जिले का जारोली गांव है। राजस्थान का एकमात्र जिला, अब वैसे दो हो गए हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला पहला जिला कौन सा है, अलवर है, और अब भरतपुर को भी शामिल कर दिया। दूसरा जिला है भरतपुर को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। राजस्थान में सबसे अधिक वृहत औद्योगिक इकाइयां अलवर जिले में है, जो अपने कल देख लिया था। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निमराणा है, पहला सीतापुरा, दूसरा बोरनाडा जोधपुर, और तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निमराणा अलवर में। राज्य का तीसरा कंटेनर डिपो भिवाड़ी में है, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भी भिवाड़ी को कहा जाता है। नोटू की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में है। अलवर जिले में सबसे पहले 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। देखो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1822 में बूंदी रियासत में लगाएगी। 1822 में बूंदी रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाएगी। फिर 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो और जो कानूनी जो कार्रवाई भी की जाती थी इस पर, तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया गया था, इसके बाद जो सबसे पहले रोक लगाई थी अलवर में। तो हालांकि ये इतना आपके नहीं पूछेंगे, आप तो ये ध्यान रखना बूंदी में कब लगाई, 1822 में। भारत में कब लगाई गई, 1829 आएगा शायद, अभी याद नहीं आ रहा, 28 या 29 है। तो इस भारत में जो रोक लगाई गई है उसके बाद जो फिर रोक लगाई सबसे पहले अलवर में। डिकर आदि मानव के द्वारा
जो सेल चित्र मिले हैं डेकर से, होप सर्कस कैलाश बुर्ज 1939-40 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अलवर आगमन पर उनकी पुत्री मिस होर्प के नाम पर यह बनाया गया है। राजऋषि बर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में है, ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना की गई है। राजऋषि बर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अलवर में है, ये राज्य का विश्वविद्यालय है। और भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ है, अलवर में है, ठीक है। चले तो ये हो गए अलवर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चले आगे देख लेते हैं मैप में, जल्दी से एक बार रिकवर कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अलवर तो क्या क्या देखा था अपन ने, भिवाड़ी के बारे में देखे, भिवाड़ी सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, फ्रांस की कंपनी है, करेंसी नोटों को स्याही बनाने का कारखाना ये जो भिवाड़ी में है, राजस्थान का नवीनतम पुलिस थाना भिवाड़ी में। फिर उसके बाद देखे अपन अगला है टपुकड़ा, टपुकड़ा टपुकड़ा में देखे तो पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है टपुकड़ा में। फिर आगे बात करें अलवर, अलवर में देखे तो ये राजस्थान का एकमात्र सुकर प्रजनन केंद्र है, राजस्थान की प्रथम जल विश्वविद्यालय अलवर में है, और राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, राज्य की प्रथम प्याज मंडी है, मुंशी महारानी की छत्री है, अस्सीकंभू की, पर्यटन विभाग द्वारा मत्स्य महोत्सव फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में स्थित है। फिर आगे बात करें बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी नारायणी माता का मंदिर है राजगढ़ में, नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी है। फिर आगे बात करें सरिस्का अभ्यारण्य बाघ परियोजना है, और राजस्थान का दूसरा बाघ परियोजना 1978 में चलाई गई, पहली रणथंभौर में। फिर बात करें आगे देखिए बाणगढ़ को भूतों और डरावना किला कहते हैं, काकनबाड़ी का किला यह दुर्ग सरिस्का अभ्यारण में है, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह को इसी दुर्ग में कैद किया गया था। नेक्स्ट देखिए अजबगढ़, अजब सिंह ने बनाया था। आगे देखिए भरतहरी के यहाँ पे जो तपस्या रही है, कनपट्टे नातू का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है भरतहरी, सरिस्का ए अभ्यारण्य ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य, 3.1 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य। नीमुचना ये देख लिया, और फिर आगे देखिए बैरोड़ में जिलानी माता का मंदिर है, बैरोड़ पशु मेला का आयोजित होता है, जो मुरा नस्ल की जो भैंस है इसके लिए प्रसिद्ध है बैरोड़ पशु मेला। नेक्स्ट देखिए शेरपुर, लालदास जी की यहाँ पर समाधि है शेरपुर में। फिर आगे देखिए धौलीधूब गांव में लालदास जी का जन्म हुआ है, फिर आगे देखिए निमराणा, तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निमराणा में, और निजी क्षेत्र में कंप्यूटर विधि प्रस्तावित है। फिर आगे देखिए अलवर किसान आंदोलन 1925 में अलवर किसान आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने वाले निमुचना में शांतिपूर्ण आम सभा चल रही थी, जिस पर गोलियां चलाई थी, सैकड़ों किसान शहीद हो गए, अनेक घायल हो गए, गांधी जी ने इसकी तुलना जलियावाला बाग हत्याकांड से की है। तो ये देखा अपन ने अलवर जिले से संबंधित, और अलवर जिले का क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है, नहीं पहुँचते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, पहले नंबर पे जयपुर है, पहले अलवर दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन आजकल जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी 2001 में तो फर्स्ट पर जयपुर था, दूसरे पर अलवर था, लेकिन 2011 की जनगणना में जोधपुर सेकेंड पर आ गया और अलवर तीसरे नंबर पर आ गया, और जनसंख्या घनत्व में चौथा स्थान है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, अलवर जिले से संबंधित प्रश्न उत्तर देखे तो प्रश्न उत्तरों में जो चीजें छूट गई है वो भी यहां पर आ जाएगा। हाँ, पहला प्रश्न है कि किन क्षत्रियों का संबंध अलवर से नहीं है, ऑप्शन में चार क्षत्रिय दी जा रही है, उनमें से किसका संबंध अलवर से नहीं है, कौन कौन से ऑप्शन में, नेड़ा की क्षत्रिया,
टेला की छत्रियां, इनमें से कोयली और मुसी रानी की छत्रियां। कौन सी छत्रियां अलवर में नहीं है? तो यहां पे देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये अलवर में हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, किस अभ्यारण्य को बाघ के मांद कहा जाता है? बाघ का मांद किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो बताएंगे बाघ की मांद जो है वो सरिस्का अभ्यारण्य को कहा जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य को बाघ का मांद कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मंदिर अलवर जिले में स्थित नहीं है? कौन सा मंदिर अलवर जिले में स्थित नहीं है? तिजारा के जैन मंदिर, नौगावा के जैन मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर, नौगजा जैन मंदिर। तो यह भी है, नौगावा के जैन मंदिर भी, नौगजा मंदिर भी है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर यह नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है? तो बताएंगे ये दोसा में है। अगला, राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव अलवर में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्तर का जो खेल गांव है वो है जरोली गांव अलवर में। नेक्स्ट, अलवर की प्रसिद्ध ख्याल कौन सी है? अलवर की प्रसिद्ध ख्याल कौन सी है? तो ये हो जाएगा अली बख्शी ख्याल। अलवर की प्रसिद्ध ख्याल है अली बख्शी ख्याल। आगे देखते हैं, निम्न में से अलवर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? मान औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान की पहली प्याज मंडी ये तो है, राजस्थान का पहला जल विश्वविद्यालय ये भी अलवर में है, जिले में मत्स्य विश्वविद्यालय स्थित यह भी है, मान औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। ये कहाँ है? तो बताएंगे ये अलवर में है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस दुर्ग में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कैद रखा गया? अपने पुत्र सलीम को, जहांगीर को कैद रखा था। तो बताएंगे बाला दुर्ग, बाला दुर्ग में हो जाएगा। नेक्स्ट, जिले का कौन सा क्षेत्र सोना चांदी के तांबे के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है, प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो ये बताएंगे मुंडीवास क्षेत्र, मुंडीवास क्षेत्र। नेक्स्ट, नारायणी माता का मेला कहाँ भरता है? नारायणी माता राजगढ़ अलवर में, राजगढ़ अलवर हो जाएगा। अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? अलवर में कौन से वंश ने शासन किया? तो बताएंगे कच्छा वंश की नरुका शाखा, कच्छा वंश की नरुका शाखा ने यहाँ पे शासन किया है। चले आगे बात करते हैं, अलवर को मत्स्य संघ का कब अंग बनाया गया है? अलवर को मत्स्य संघ का अंग कब बनाया गया है? तो बताएंगे ये बनाया गया, पहला चरण होता है 18 मार्च 1948, पहला जो चरण था मत्स्य संघ उसमें। जोड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो जोड़े वाले बाबा और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, अलवर जिले में स्थित मुसी महारानी की छतरी, मुसी महारानी की छतरी ये कितने खंभों की है? तो बताएंगे 80 खंभों की छतरी है, विनय सिंह ने बनाई थी। नेक्स्ट, अलवर में लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? लाल पत्थर की जो मूर्तियां है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बताएंगे लाल पत्थर की मूर्तियां थाना गाजी क्षेत्र अलवर की, जहां से रूपा रेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियों से। निमराना की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? निमराना बावड़ी 9 मंजिला बावड़ी है, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया। मान सिंह ऑप्शन में नहीं आए तो फिर टोडर मलकर। प्रसिद्ध महिला संत सहजोबाई का जन्म कहाँ हुआ? सहजोबाई का जन्म डेरा गांव में हुआ। अगला, अलवर का मावा नाम से प्रसिद्ध है, अलवर का मावा, अलवर का मावा जो है यह है कलाकंद, अलवर का जो कलाकंद है वो अलवर का मावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस किले की दीवारों पर बंदूक चलाने के लिए बने हुए छिद्रों के कारण आंख वाला किला कहा जाता है? आंख वाला किला किसे कहते हैं? तो बताएंगे बाला किला, बाला किला को आंख वाला किला कहा जाता है। राज्य में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? नोटों की स्याही भिवाड़ी अलवर में। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह को कौन से दुर्ग में कैद करके रखा गया? तो ये हो जाएगा बाला, बाला दुर्ग नहीं सॉरी कांकनबाड़ी दुर्ग, कांकनबाड़ी दुर्ग में दारा सिंह को कैद करके रखा था।
राजस्थान का एकमात्र खनिज अलवर जिले में पाया जाता है, अलवर जिले में पाया जाता है, कौन सा खनिज है? स्लेटी पत्थर। स्लेटी पत्थर जो है अलवर जिले में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले राजस्थानी कौन हुए थे? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले राजस्थानी कौन हुए थे? तो ये हुए थे सौरभ सिंह जी शेखावत। सौरभ सिंह जी शेखावत ये पहले राजस्थानी हुए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 3 बार फतेह किया था। अलवर क्षेत्र की मेव जनजाति के द्वारा जो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेव जाति में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ये हो जाएगा रतवई। रतवई नृत्य जो है मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रणबाजा ये मेवात क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से अलवर राज्य का कौन सा स्थान है? तो यह हो जाएगा 3रा स्थान है। अलवर की स्थापना किसने की थी? मानसिंह नरुका ने 1775 ईस्वी में। अलवर का प्राचीन नाम क्या है? सालवपुर। सालवपुर के नाम से जाना जाता है। सालवे जनजाति रहती थी, कनिंगम ने बताया था। राजस्थान का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन है निमराना। अगला, भानगढ़ को किस शासक ने बसाया था? बान सिंह। तो वैसे बान सिंह भगवान दास ने बसाया था, बाद में माधु सिंह ने इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था। किस संप्रदाय के अनुयायी 42 नियमों का पालन करते हैं? तो बताएंगे ये चरणदासी जो है इस चरणदासी संप्रदाय में 42 नियमों का पालन किया जाता है। अलवर में पूर्जन विहार का निर्माण किसने करवाया? तो सुयोधन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल के शासक के काल को माना जाता है? विनय सिंह। प्रताप सिंह के समय तो आरंभ हुआ था, विनय सिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। आलम सिंह अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ है? तिजारा में। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? सिलीसेट झील। अलवर जिले का आधुनिक उपनाम नहीं है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर बिल्कुल कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, प्रवेश द्वार नहीं कहते हैं। प्रवेश द्वार कहते हैं किसको? भरतपुर को। अलवर के बैरोड, मुंडावर और जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? आहिरवाटी। 9 मंजिला बावड़ी स्थित है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है? निमराना। अलवर जिले की सीमा कौन से राज्य से लगती है? हरियाणा से लगती है सर। नेक्स्ट देखा जाए, अगला है, निम्न में से कौन सा पशुधन सर्वाधिक है? वैसे पहले भैंस पाई जाती थी, अब केवल जयपुर में ही पाई जाती है ना। अगला है, राज्य का 3रा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है? तो 3रा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है निमराना अलवर में। पहला कहाँ है? सीतापुरा। दूसरा बोरनाड़ा जोधपुर में। और 3रा कहाँ है? तो 3रा बताएंगे, 3रा है निमराना अलवर में। अठारह की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? तो अठारह की क्रांति के समय विनय सिंह थे। और एकीकरण के समय शासक कौन था? तेज सिंह था। जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? बैरोड अलवर में जिलानी माता। बाबा भरतरी की समाधि दोना सरिस्का अलवर, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अलवर जिले में कौन से स्थान से आदि मानव के चित्र प्राप्त हुए थे? डीकर स्थान से प्राप्त हुए थे। डीकर। गांधी जी ने किस कांड को जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स बताया और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? नीमूचना हत्याकांड, 14 मई 1925। बपंग क्या? बपंग तो ये लोग वाद्य यंत्र जोर का मेवाती इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं और अलवर में जोगी लोग से बजाते हैं। तो ये देखा अपन ने अलवर जिले से संबंधित सभी जानकारी को यहाँ पर अपन ने कंप्लीट किया है। मिलेंगे अब अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो